हमारा चैप्टर चल रहा था बेटा अकाउंट्स ऑफ बिजनेस परचेज। क्वेश्चन नंबर टू पे पहुंचे हम लोग। पहले समझना सारा, कुछ भी लिखना नहीं। यहाँ पे लिखा है मोना लिसा लिमिटेड परचेजेस द बिजनेस ऑफ द फर्म ऑफ मोना एंड लिसा। ठीक है, अब समझो ये क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे आंसर, अब ये जो मोना लिसा लिमिटेड है, मोना लिसा लिमिटेड, ये हुआ परचेजर। हम मतलब न्यू कंपनी, तो मोना लिसा लिमिटेड मतलब हम हुए, मतलब न्यू कंपनी हुए, मतलब परचेजर हुए। और जो मेसर्स मोना एंड लिसा पार्टनरशिप फर्म हुआ, जो मेसर्स मोना एंड लिसा पार्टनरशिप फर्म हुआ, ये ओल्ड पार्टनरशिप फर्म हुई, ये सेलर और वेंडर हुआ। मतलब जो पार्टनरशिप फर्म थी उसने अपना सारा बिजनेस बेच दिया, और जो कंपनी है मतलब हम है, हमने सारा बिजनेस खरीद लिया। यहां से हमारा आंसर स्टार्ट होता है। अब ऑब्वियसली हमारा पहला स्टेप होता है नेट एसेट्स। मैं फॉर्मेट कॉपी करता हूं ऊपर से, दो मिनट। मैंने ब्लैंक फॉर्मेट बना लिया स्टेप वन टू थ्री का। स्टेप वन होता है नेट एसेट्स, उसमें आता है एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। स्टेप टू होता है परचेज कंसिडरेशन, उसमें दो कॉलम होते हैं, एक मोड ऑफ पेमेंट, एक अमाउंट। और स्टेप थ्री गुडविल और कैपिटल रिजर्व, दोनों में से कोई भी एक आएगा। इसके बाद हमारी जर्नल एंट्री स्टार्ट होंगी। तो मैंने फॉर्मेट सारा ऊपर वाले क्वेश्चन में दे ब्लैंक फॉर्मेट कॉपी कर लिया। अब क्वेश्चन रीड करते हैं, देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो यहाँ पे लिखा है मोना एंड लिसा लिमिटेड परचेजेस द बिजनेस ऑफ द फर्म मोना एंड लिसा ऑन 1/4/16। The balance sheet of the firm as on that date is as under. अब asset side पे building दिया हुआ है, machinery दिया हुआ है, furniture, debtors minus bad debt reserve, stock, cash. Liability side पे Mona's capital, Lisa's capital, general reserve, creditors, bills payable. ठीक है? अब adjustment में लिखा हुआ है, पहले हमेशा हम लोग adjustment ही solve करेंगे. Company has not purchased furniture and cash and bills payable. Not purchased. मतलब furniture और कैश और बिल्स पेएबल में आप एक क्रॉस लगा दोगे, जैसे यहाँ पे क्रॉस लगाया हुआ है आपकी टेक्स्ट बुक में। फर्नीचर और कैश और बिल्स पेएबल में आप इस तरीके से क्रॉस लगा दोगे, जो भी एसेट या लायबिलिटी नॉट टेकन ओवर बाय कंपनी हो उसमें आप ऐसा क्रॉस लगा दोगे। फर्नीचर में, कैश में और बिल्स पेएबल में आपकी टेक्स्ट बुक में जाके क्रॉस लगा दो, ये न्यू कंपनी ने नहीं खरीदा है। फिर लिखा हुआ है बिल्डिंग इज टू बी टेकन at 25% more. ये building लिखा हुआ है, building is to be taken at 25% more. अब old value दी हुई है building की, ये 20,000. building की old value 20,000 और taken at 25% more. तो मैं step one में जाऊंगा, assets में जाऊंगा, building old value 20,000 plus 25% more. अब 20,000 का 25% होता है 5,000. 20,000 का 25% 5,000 होता है, 5,000 हम ऐड कर देंगे तो बिल्डिंग की मार्केट वैल्यू आ जाएगी 25,000. ठीक है, डन, इजी है बहुत। बिल्डिंग टू बी टेकन परसेंट मोर, तो 20,000 प्लस 5,000 25,000. फिर एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है मशीनरी इज टू बी टेकन एट 10% लेस। मशीनरी टू बी टेकन एट 10% लेस, तो ये मशीनरी है, ये ओल्ड वैल्यू है 10,000, मशीनरी की ओल्ड वैल्यू 10,000 एट 10% लेस। मैं यहां पे लिखूंगा मशीनरी टू बी टेकन ओल्ड वैल्यू एट 10,000, 10,000 माइनस 10%। अब 10,000 का 10% होता है 1,000, 1,000 माइनस कर देंगे तो बाकी आएगा 9,000। आगे फिर लिखा हुआ है डेटर्स 20% लेस, डेटर्स एट 20% लेस। तो ये 20% किस पे निकालेंगे वो सीखने जाता है। डेटर्स एट 20% लेस हम इस पे निकालेंगे 52,500 पे। और ये जो बेटर रिजर्व है 2500, इसका कुछ नहीं करेंगे। जो पुराना बेटर रिजर्व है 2500, जिसको हम लोग BDR T बोलते हैं, ये 2500 का कुछ नहीं होगा। और जो आउटर कॉलम में 50,000 दिया हुआ है डेटर्स के आउटर कॉलम में, डेटर्स के आउटर कॉलम में ये जो 50,000 दिया हुआ है इसका भी हम लोग कुछ नहीं करेंगे। तो हमारे काम का ये 52,500 है,
इसका 20% हम लोग माइनस कर देंगे, 50 to 500 का 20%, डेटा से 20% लेस, तो डेटा 50 to 500 माइनस 20%। अब 50 to 500 का 20%, 50 to 500 मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइड बाय 100, ये होता है 10,500। 50 to 500 का 20%, ये होता है 10,500। तो हम लोग क्या करेंगे, 50 to 500 में थे 10,500 माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा 42,000। तो डेटास में थे 20% मैंने माइनस कर दिया, बाकी आ गया 42,000 नेट अमाउंट, 42,000 ये हमारे काम का है 42,000। आगे डेटा से 20% लेस, फिर स्टॉक इज टू बी टेकन एट 20% मोर, स्टॉक टू बी टेकन एट 20% मोर, तो ये स्टॉक है, ये ओल्ड वैल्यू है 5,000, ये स्टॉक है, ये ओल्ड वैल्यू है 5,000, और यहाँ पे लिखा हुआ है स्टॉक इज टू बी टेकन एट 20% मोर, तो 5,000 का 20% मोर, मैं यहां पे लिखूंगा स्टॉक फाइव थाउजेंड का ट्वेंटी परसेंट होता है वन थाउजेंड ऐड कर देंगे तो स्टॉक की मार्केट वैल्यू आ जाएगी 6,000। आगे इसके बाद लिखा हुआ है 5,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 एट अ प्रीमियम ऑफ रुपी 1 पर शेयर आर टू बी गिवन टुवर्ड्स परचेस कंसिडरेशन। तो ये 5,000 शेयर्स से लेकर परचेस कंसिडरेशन तक दिया हुआ है, ये सब पीसी में आएगा। 5,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच, तो ये हो गया 50,000 एट अ प्रीमियम ऑफ रुपी 1, मतलब 5,000 इंटू 1 वो हो गया 5,000, मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल होगा 50,000 का, 5,000 इंटू 10 वो कैपिटल होगा, और 5,000 इंटू 1 वो प्रीमियम होगा, आर टू बी गिवन टुवर्ड्स परचेस कंसिडरेशन, मतलब ये सारा पीसी का कैलकुलेशन दिया हुआ है, 5,000 इंटू 10 और 5,000 इंटू 1, ये स्टेप टू में आएगा हमारे, स्टेप टू होता है पीसी, इसमें पहली अमाउंट इक्विटी शेयर कैपिटल 5,000 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 10 रुपीज का एक, तो 5,000 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 10 रुपीज का एक शेयर, ये हमारा इक्विटी शेयर कैपिटल होगा, तो 5,000 इंटू 10 ये होता है 50,000, और एक रुपया प्रीमियम, तो इसको हम लोग बोलेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम है 1 रुपी, तो 5,000 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 1, 5,000 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 1 ये हो जाएगा 5,000 रुपीज, तो हमारा हमारा टोटल पीसी आ जाएगा 55,000 रुपीज, हमारा टोटल पीसी आ जाएगा परचेस कंसिडरेशन 55,000 रुपीज पीसी आ गया। ऐसा नहीं लिखा हुआ है, ऐसा क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ है रिमेनिंग अमाउंट इन कैश, रिमेनिंग अमाउंट इन कैश नहीं लिखा हुआ है, तो यही 55,000 हमारा पीसी आ जाएगा। आगे फाइंड आउट कैपिटल रिजर्व और गुडविल, वो तो क्वेश्चन में नहीं बोला होता तो भी हम लोग फाइंड आउट करेंगे गुडविल और कैपिटल रिजर्व, एंड पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द कंपनी, और जर्नल एंट्रीज भी हम लोग हमेशा करेंगे भले पूछा हो कि नहीं, और गुडविल और कैपिटल रिजर्व पूछा है वो भी हम हमेशा करेंगे। अभी अंटिक आइटम्स, अंटिक आइटम में बिल्डिंग हो गया, मशीनरी हो गया, फर्नीचर क्वेश्चन में बोला हुआ था नॉट टेकन हुआ, फर्नीचर नहीं लेना है, बिल्डिंग हमने लिख दिया, मशीनरी लिख दिया, फर्नीचर क्वेश्चन में बोला हुआ था नॉट टेकन ओवर, डेटा हमने लिख दिया, स्टॉक हमने लिख दिया, कैश क्वेश्चन में लिखा हुआ था नॉट टेकन ओवर, कैपिटल मोना और लीसा का नहीं लेते हैं, कैपिटल को लायबिलिटीज में नहीं लेते हैं, जनरल रिजर्व को भी लायबिलिटीज में नहीं लेते हैं, कैपिटल को भी नहीं लेते हैं, जनरल रिजर्व को भी नहीं लेते हैं, बिल्स पेएबल क्वेश्चन में बोला था नहीं लेना, क्रेडिटर्स रह गया 50,000, क्रेडिटर्स हम लोग लेंगे, क्रेडिटर्स लायबिलिटीज में आता है 50,000, तो मैं यहाँ पे लायबिलिटीज में 50,000 लिखूंगा और यहाँ पे मैं लिखूंगा क्रेडिटर्स,
ठीक है, ये बीच वाली दो तीन एक्स्ट्रा लाइंस मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। बस ओल्ड बैलेंस शीट भी कंप्लीट हो गया और ओल्ड बैलेंस शीट में कुछ भी काम का नहीं है, कैपिटल नहीं लेते हैं, मोनालिसा का कैपिटल नहीं लेते हैं, जर्नल रिजर्व भी नहीं लेते हैं, बिल्स पेएबल इस क्वेश्चन में बोला है कि नहीं लेना है, वैसे लेते हैं पर यहाँ पे एडजस्टमेंट में बोला था नहीं लेना है। क्रेडिटर्स मैंने लिख दिया लायबिलिटी 50,000। अब एसेट्स का टोटल, यहाँ पे मैं एसेट्स का टोटल कर दूंगा, यहाँ पे लायबिलिटीज का टोटल। एसेट्स के टोटल में ये चार अमाउंट है, इन चारों का टोटल है 82,000, इन चारों का टोटल आता है 82,000, और क्रेडिटर्स एक ही अमाउंट है लायबिलिटी में 50,000, तो 82 माइनस 50, तो हमारा नेट एसेट आ जाएगा, हमारा नेट एसेट आ जाएगा 32,000, 82 माइनस 50, तो नेट एसेट आ जाएगा 32,000। अब नेट एसेट आ गया 32,000, उसके बाद परचेस कंसिडरेशन था हमारा 55,000, परचेस कंसिडरेशन था हमारा 55,000, नेट एसेट आया 32,000। मतलब हम लोग अगर न्यू कंपनी है, हमको न्यू कंपनी के व्यू पॉइंट से सोचना पड़ता है, न्यू कंपनी के व्यू पॉइंट से सोचना पड़ता है कि फायदा हुआ कि नुकसान हुआ। तो हम लोगों को नेट एसेट मिले 32,000 के, उसके सामने हमने परचेस प्राइस पे किया 55,000, मतलब हम लोग न्यू कंपनी है तो हम लोगों ने परचेस प्राइस ज्यादा पे किया, तो अगर हमने परचेस प्राइस ज्यादा पे किया तो हमारे लिए लॉस है, तो न्यू कंपनी के लिए लॉस है क्योंकि पीसी बड़ा है, गुडविल इज इक्वल टू पीसी माइनस नेट एसेट, न्यू कंपनी के लिए लॉस है, लॉस को ही गुडविल बोलते हैं, लॉस को ही गुडविल बोलते हैं। तो 55,000 पीसी है, 55,000 हमने पे किया पुरानी पार्टनरशिप फर्म को, उसके सामने हमको नेट एसेट्स मिले 32,000 के, ये 55,000 हमने पे किया पुरानी पार्टनरशिप फर्म को, उसके सामने हमको नेट एसेट मिले 32,000 के, तो हम लोगों ने ज्यादा पैसे पे किए तो हमारी कंपनी के लिए ये लॉस है। तो 55,000 माइनस 32,000, तो गुडविल हो गया 23,000, तो न्यू कंपनी ने 23,000 रुपीज ज्यादा पे किए, तो जो 23,000 न्यू कंपनी ने ज्यादा पे किए वो न्यू कंपनी का लॉस है, इसको गुडविल बोलते हैं। अब कैलकुलेशन अगर हो गई तीनों स्टेप्स, तो जर्नल एंट्रीज करना 2 मिनट का काम है। क्या करना है, पहली एंट्री को लेना है, पहली एंट्री में जो भी सारे एसेट्स हैं उनको डेबिट करना है, जो भी सारी लायबिलिटीज हैं उनको क्रेडिट करना है, पहली एंट्री को लेना है, स्टेप वन को लेना है, एसेट्स को डेबिट करना है, लायबिलिटीज को क्रेडिट करना है, फिर स्टेप वन के साथ स्टेप थ्री कंबाइन करना है। तो अगर स्टेप थ्री में गुडविल हो तो एसेट्स के साथ गुडविल भी डेबिट हो जाएगा, और स्टेप थ्री में कैपिटल रिजर्व हो तो लायबिलिटीज के साथ कैपिटल रिजर्व भी क्रेडिट हो जाएगा। मतलब गुडविल हो तो पहली एंट्री में डेबिट कर दो, कैपिटल रिजर्व हो तो पहली एंट्री में क्रेडिट कर दो। मैं लिख के बता दूं, बिल्डिंग मशीनरी डेटा स्टॉक, बिल्डिंग मशीनरी डेटा स्टॉक, ये चार हमारे एसेट्स हैं, तो ये चारों हो जाएंगे डेबिट। बिल्डिंग मशीनरी डेटा स्टॉक ये हमारे चारों एसेट हैं, तो ये हो जाएंगे डेबिट। इसके साथ जो स्टेप थ्री में गुडविल था, जो स्टेप थ्री में गुडविल था वो भी हो जाएगा डेबिट। अगर स्टेप थ्री में गुडविल हो तो डेबिट कर देना, स्टेप थ्री में कैपिटल रिजर्व हो तो उसको क्रेडिट कर देना, ठीक है। अब इन सबकी अमाउंट कौन सी लेनी है, जो यहाँ पे हमने कैलकुलेशन करके लिखी है 25,942,6, 25,942,6, ये चारों एसेट्स हो गए हमारे। गुडविल, गुडविल कितना था, 23,000, ये गुडविल 23,000।
फिर जो भी सारी लायबिलिटीज हो उनको क्रेडिट करने का स्टेप वन में जाएंगे। ये चारों एसेट्स हो गए हमारे। अब लायबिलिटीज, लायबिलिटीज में एक ही है क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स है 50,000, उसको कर देंगे क्रेडिट, क्रेडिटर्स 50,000 क्रेडिट। अब डेबिट का टोटल करेंगे अगर 25 और 9 और 42 और 6 और 23, 25, 9, 42, 6, 23, इनका टोटल करेंगे तो इनका टोटल आ रहा है 1,05,000। इन पांचों का टोटल आ रहा है 1,05,000। 1,05,000 में ये क्रेडिटर्स का 50,000 माइनस करेंगे तो 1,05,000 माइनस 50,000 तो डिफरेंस आएगा 55,000। ये डिफरेंस 55,000 ऑटोमेटिकली उतना ही आएगा जितना हमारा पीसी था। देखो जितना हमारा पीसी था ऑटोमेटिकली वही आ जाएगा 55,000। ठीक है, तो आपको क्या करना है, पहली एंट्री में, पहली एंट्री में स्टेप वन और स्टेप थ्री की अमाउंट्स को कंबाइन कर देना। स्टेप वन एंड स्टेप थ्री की सारी अमाउंट्स को कंबाइन कर देना। एसेट्स को सबको डेबिट करना है, लायबिलिटीज को सबको क्रेडिट करना है, गुडविल हो तो डेबिट करना है, कैपिटल रिजर्व हो तो क्रेडिट करना है। फिर लास्ट में जितना भी डिफरेंस आए उसको बोलेंगे टू मेसर्स मोना एंड लीसा पार्टनरशिप फर्म अकाउंट। मतलब हमने ड्यू किया कि हमको 55,000 रुपीज पुरानी पार्टनरशिप फर्म को पे करना बाकी है। हमने ड्यू किया, हम मतलब न्यू कंपनी, यहाँ पे कंपनी का नाम आएगा, जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ न्यू कंपनी। न्यू कंपनी का नाम है मोना लीसा कंपनी लिमिटेड, ये न्यू कंपनी का नाम है। तो ये जर्नल एंट्रीज कौन कर रहा है, ये जर्नल एंट्रीज न्यू कंपनी वाला कर रहा है। तो न्यू कंपनी वाले ने लिखा कि 55,000 रुपीज हमको पुरानी पार्टनरशिप फर्म को पे करना बाकी है। ठीक है, यहां पे नरेशन बीइंग एसेट्स एंड लायबिलिटीज टेकन ओवर। नेक्स्ट, अब हम लोग जो मेसर्स मोना एंड लीसा पहली एंट्री में हुआ था क्रेडिट, उसको दूसरी एंट्री में कर देंगे डेबिट। मेसर्स मोना एंड लीसा पार्टनरशिप फर्म अकाउंट हो जाएगा डेबिट। मेसर्स मोना एंड लीसा पार्टनरशिप फर्म अकाउंट हो जाएगा डेबिट 55,000। आपको अगर याद हो पीसी की अमाउंट्स, तो पीसी में दो ही अमाउंट थे, एक है 50,000 और एक है 5,000। तो 55,000 हम लोगों ने पे कर दिया, हम मतलब न्यू कंपनी। तो 55,000 हमने कैसे पे किया, 50,000 का इक्विटी शेयर कैपिटल और 5,000 रुपीज का सिक्योरिटी प्रीमियम। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। तो इतना हमारा जर्नल एंट्रीज में इतना ही था, दो ही एंट्री दूंगी इस क्वेश्चन में। वैसे और लेंथी क्वेश्चन में और भी एंट्री आती है, बट इस क्वेश्चन में ये दो ही एंट्री दूंगी। पहली एंट्री में स्टेप वन और थ्री, दूसरी एंट्री में स्टेप टू। जो स्टेप टू था पीसी वाला, उसमें से सेकेंड एंट्री हो जाएगी हमारी। ठीक है, पहली एंट्री में हम ड्यू करते हैं कि हमको 55,000 पे करना बाकी है। सेकेंड एंट्री में हम लिखते हैं कि हमने 55,000 पे कर दिया इन फॉर्म ऑफ शेयर्स या इन फॉर्म ऑफ प्रीमियम। बस इस क्वेश्चन में दो ही जर्नल एंट्री है, इसके बाद बैलेंस शीट बनती है। वो इस क्वेश्चन में नहीं पूछी है बैलेंस शीट, बट बैलेंस शीट में क्या होता है, जर्नल एंट्री में ही बैलेंस शीट बनती है। जो भी जर्नल एंट्री में डेबिट में हो वो सब आपको एसेट में लिखना है, और जो भी जर्नल एंट्री में क्रेडिट में हो वो आपको लायबिलिटी में लिखना है। बैलेंस शीट बनाना भी बहुत इजी होती है, मैंने लास्ट क्वेश्चन में तो बताया था, बट इस क्वेश्चन में मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अभी आप लोग ये पूरा लिख लोगे, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, टू, ये क्वेश्चन टू आप लोग लिखोगे। ये क्वेश्चन है, यहां से आंसर है, ये वीडियो पॉज करके लिखते जाना सारा।
ठीक है, लिखना शुरू करो बेटा।